जैसे ना मैं आपसे बोली हूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ, लॉक लगा दो। मैं मार्केट जा रही हूँ, ये नहा रही, घूम रही, जा रही है मार्केट। ये रे देखो कितनी सारी मुर्गी है, ये रहे। घर के पास मार्केट लगती है, कोरोना की वजह से सब बंद पड़े हुए हैं। ये रहे, ज्यादा मार्केट है नहीं, सारे बंद हो रहे हैं। मारे नहीं देख रही है, बाजार क्यों नहीं लग रहे हैं? क्या हो गया? अरे वो ठेकेदार नहीं था, हाँ उसने पैसे नहीं पहुँचाए वहाँ। अच्छा, अयान तरबूज खा रहा है, अनाया तरबूज खा रही है, मैं दोनों को तरबूज दिला दी हूँ। आ जाओ अयान, ये रहे दोनों। तो अब मम्मी पानी पी रही है। मैं जा रही हूँ मार्केट, वो आया है। सुबह में गुस्सा हो रहा था मार्केट जाने के लिए, मुझे मार्केट जाना है कुछ लेने के लिए, मैं इसीलिए मैं जा रही हूँ लेके, और पानी पूरी भी खा ली। तेरा नहीं, मैं इसी के बारे में तो बोल रही थी मैं, कि यहाँ से ले जाती हूँ गमला। चले मार्केट चल रही हूँ अभी रास्ता में, आज गाड़ी से नहीं निकली, आज पैदल ही पैदल चल रही हूँ। घर के पीछे मार्केट लगता है, कोई कुछ देखना था, तो दो हफ्ते से मार्केट नहीं लगा है, मैं इसीलिए मैं बोले चलो पीछे भी देख लूँ मार्केट लगा या नहीं लगा, कुछ ले लेना। ये पैदल ही पैदल जा रही हूँ। अभी तक आई हूँ हॉस्पिटल के ही पास, अभी थोड़ा और 5 मिनट लगेगा टाइम। अभी मैं चल रही हूँ पैदल पैदल। अनाया कहाँ जा रही हो आज? ये रही अनाया, ये रही जा रही हूँ। ये घर के पास ही है। मार्केट आ गई हूँ, ये सामने में बड़े से हॉस्पिटल, ये रहे, ये रहे सीढ़ी रुकी, ये रहे उतर का छोटा सा, और उसके बाद ये मैं मार्केट आ गई हूँ। ये रहा, ये रहे सीढ़ी हॉल, घर के पास ही है, बस 5 मिनट का फासला है। ये रहे हाईवे, मैं आई हूँ, आप कभी नहीं बताऊंगी, आगे साथ चलते, आप मेरे साथ चलते रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयान। तो अभी हम आए कैट देखने, कैट देखने आए हैं, अभी हम आए कैट देखने, तो अभी दिखाएंगे वो कैट। मैं कैट देखने आई हूँ, हमारे पास कैट ही नहीं आया। अब अनाया बोली मैं कुछ लूंगी, तो नटखट उसे दिलाई हूँ, और अयान के लिए चलो चलो लगातार ये कंटिन्यू चल रही है ना, चलो उस पर आ जाओ। अनाया जब भी मार्केट आ रही तो मुझे चीज चाहिए, मुझे चीज चाहिए। आ गई,
आई हूँ उमरा को कुछ लेना है, इसलिए मैं मार्केट आई हूँ। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा ब्लॉग है मटर छीलने का। मम्मी और उमरा भी बहुत थक गई मार्केट से जाके, इसलिए मैं उनकी हेल्प करा रही हूँ। मटर छील रही हूँ मैं। देखो गाइस, मैंने इतने सारे मटर छील लिए हैं, मुझे इतने और छीन ले। गाइस, मैंने मम्मी को बोला है मटर चावल बनाने के लिए, इसलिए मैं छील रही हूँ। देखो गाइस, ये नया मटर छील रही है, कितनी मासूम बच्ची है। देखो कितनी मेहनत से काम कर रही है बच्ची। मैं जैसा कि आपसे बोली थी, मार्केट गई थी, मार्केट से लेके आई टमाटर, धनिया, मटर और हरी मिर्च, और ट्रे खरीद के लाई थी मार्केट से। ये रहे ट्रे। कैसी लगी? अच्छी लगी। और मैं बच्चे के लिए सॉक्स खरीद के लाई, और ये अनाया का, ये रहा, ये भी खरीद के लाई। अयान, सॉक्स दिखाना। ये रहा सॉक्स, और ये सॉक्स, और भी कम। अनाया के लिए सॉक्स लाई हूँ, अनाया सॉक्स पहनी हुई है। कैसी लग रही है अनाया? अच्छी। अच्छी लग रही है। सेम सेम। हाँ, भाई का भी ऐसा ही है, भाई का ब्लू वाला है, भाई का भी रेड है, मेरा भी रेड है। ओके, आपको कैसी लगी अयान सॉक्स? सही लगी। अच्छी लगी। अच्छा, मैं मार्केट से आके थक गई, मटर चावल बना रही हूँ और दाल बना रही हूँ। अब इतने सारे बर्तन हो गए, मैं धो रही हूँ बर्तन सारे। गाइस, हमारा प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन और टमाटर, हरी मिर्च। अब हम इसमें डाल रहे हैं मटर। देखो गाइस, अब हमने इसमें डाल दिए मटर। अब हमने डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब इसको हम अच्छे से मैश कर रहे हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें चावल, हमारा मसाला भुन गया है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल। अब हमने डाल दिया है इसमें पानी। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के इसे 2-3 सीटी ले लेते हैं। इसमें लगा दिया कुकर का ढक्कन, आप 2-4 सीटी ले लेते। बना रही हूँ ग्रीन चटनी। इसमें डाल दिया धनिया पत्ती, टमाटर, लहसुन। अब हम इसमें और डाल रही हूँ इसमें जीरा। डाल दिया है नमक। अब इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। मेरी चटनी ग्राइंड हो गई है। देखो गाइस, मटर चावल तैयार हो गए। ये रही प्याज, ये ब्राउन किया हुआ प्याज, ये इसमें बिरयानी मसाले, ये हरी चटनी। अयान आ जाओ खा लो, अनाया भी आ गई है, आ जाओ बेटा। अब जा रही उमरा घर, जा रही है खाना वाना खा लिए, वो घर जा रही है। उमरा के भाई आए लेने के लिए। बाय उमरा, गुड नाइट। कुछ बोलना चाहती हो? उमरा चली गई है, अनाया मोबाइल देख रही है, अनाया के डैडी आ गए। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आज का ब्लॉग पूरा, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।